सही, उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है ना। क्या कहेंगे, बड़ा दिलचस्प मैच था। बांग्लादेश अपनी गलतियों की वजह से, अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से हारा, क्या कहेंगे आप? देखिए, अच्छा मैच हुआ है। जिस तरह पहले तो इंडिया की बात करते हैं, जिस तरह केएल राहुल की आज फॉर्म वापस आई है, उन्होंने अपना टाइम लिया, फिर एक टाइम आया जहाँ उन्होंने एक्सेलरेट किया, दो बॉलों पे दो छक्के मारे, उसके बाद अगली बॉल पे चौका, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में लगा। इंडिया के लिए आने वाले मैचेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद विराट कोहली अगेन आज फिर से ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने। ही चोज के अब बड़े अपने मेंटल स्पेस में बहुत रिलैक्स हैं वो, और एंड तक वो लेके गए और 180 रन्स वहाँ लगाए। उसके बाद इनके पास जिस तरह लिटन दास ने स्टार्ट दिया, बहुत आई थिंक बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, और यही T20 की बैटिंग है आजकल। और आप देखिए कि इंडिया जैसी साइड को कितना अंडर प्रेशर कर दिया पावर प्ले के अंदर एक लिटन दास की, जो वो इनिंग थी, हालांकि अकेला उन्होंने स्कोर किया, अगर देखा जाए 27 गेंदों पर 60 रन किए, 222 का स्ट्राइक रेट, सो दैट शोज के कितना इंपॉर्टेंट है पावर प्ले। अगर आपने देखे कितनी इनके, अगर एक दो बैट्समैन मिडिल में और उसका साथ दे देते तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है ना इस टाइम पे ये मैच जीता ना होता। बारिश के बाद बांग्लादेश को और ज़्यादा चांसेस हो गए थे कि यू नो मैच शुरू होगा तो और ज़्यादा छोटा हो जाता थोड़ा सा मैच, तो बांग्लादेश को और फायदा होता, क्योंकि विकेट नहीं गिरी थी बांग्लादेश की, तो जितना मैच छोटा हो जाता बांग्लादेश को फायदा होना था। लेकिन जितना जारी बात है, हमें जब इतने ओवर्स का टारगेट आया था, और जो था ये तो हमें पता था कि इंडिया एक एक्सपीरियंस साइड है और चेस करने का एक प्रेशर होता है। मैच जितना भी छोटा हो जाए, जब तक आपके पास सिचुएशनल प्लेयर्स नहीं है, डेवलप प्लेयर्स नहीं है, कंप्लीट प्लेयर्स नहीं है जो कि यू नो टारगेट कर सकें और क्रैक डाउन कर सकें टारगेट को और अपोजिशन के बॉलर्स को, जिस तरह आपने देखा इंडियन प्लेयर्स करते हैं अक्सर, जो बड़े प्लेयर करते हैं, उस तरह का कोई बैट्समैन इनके पास बांग्लादेश में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये जो है ना 2-4 रन से जो मैच हारा।